जुमला स्ट्राइक नंबर एक, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर दो, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार। रोजगार पे चलते हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो, रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ, 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान, मजदूर, गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है, आप यह बात पूरे हिंदुस्तान को बता। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा।